हेलो एंड नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं हूं तनसुख पालीवाल लिंकिंग लॉज जन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एनर्जेटिक वेलकम अभी कुछ सेकंड्स पहले आपके बीच में एक वीडियो चला था ना? ये वीडियो हमारे देश की सोसाइटी का एक सच भी है और एक अपने आप में दुख भी है है ना दुख इसलिए है कि कहने को तो मातृशक्ति के लिए ये कहा जाता है कि यत्र पूजंते नार्यस्तु रमंते तत्व देवता ऐसा कहा जाता है लेकिन वास्तविकता जो है वो कुछ मायनों में सही है कुछ मायनों में बहुत ही गलत है और वही डिस्कशन जो है आज की इस क्लास के अंदर होने जा रहा है मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आज की हमारी इस क्लास के टॉपिक का कनेक्शन किसी स्टेट जुडिशरी के सिलेबस से हो या न हो मायने नहीं रखता अगर आप एक सिटीजन हैं और अगर आप भारत देश की सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं तो आपको इस कानून के बारे में जानना चाहिए जैसा कि इस वीडियो के टाइटल में भी था कि ये जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है घरेलू हिंसा है इसको जानना आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है जरूर समझिएगा दोनों परिप्रेक्ष से एक ये होता है कि वाकई में किसी महिला के साथ में घरेलू हिंसा हो रही हो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है अब वहां पर वो क्या करें और वहीं दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि कुछ महिलाएं जो है इस कानून का मिसयूज कर रही हो और आपके या आपके किसी रिलेटिव के खिलाफ जो है एक फेक मुकदमा यानी कि एक फर्जी केस जो है दर्ज करा रखा हो डोमेस्टिक वायलेंस का तो इन दोनों ही परिस्थितियों के अंदर दोनों ही सिचुएशन के अंदर आप या तो अपनी जो कहीं कहीं जो है डिफेंस कह दीजिए या फिर कहीं कहीं जो एलिगेशन कह दीजिए उनसे बचने के लिए आपको कहीं कहीं क्या करना पड़ेगा यहां पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस कानून को समझना पड़ेगा तो थोड़ा सा संजीदगी के साथ में इस कानून के बारे में ऑब्जर्व कीजिएगा और निसंदेह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मायने रखेगा ही रखेगा इतना मेरा विश्वास है कि आज आपके सामने जो कुछ मैं ये लेकर आया हूं वो सारी चीजें वो सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है इतना आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से आपका हौसला स्ट्रॉन्ग कर सकती है कि शायद फिर आप इसके बारे में किसी सवाल पे किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अटके नहीं कल 26 जनवरी है भारत देश का रिपब्लिक डे भी है ओके okay? और कल आप सभी के साथ में एक जू मीटिंग करने का सौभाग्य भी जो मैं जरूर प्राप्त करूंगा तो स्पेशल क्लास में आपको कनेक्ट तो होना ही होना है साथ ही साथ कल मीटिंग भी करेंगे तो आप सब लोग तैयार रहिएगा अच्छे तरीके से मजा आएगा आपके साथ बातचीत करने का भी और उसके अलावा एक और जरूरी चीज वो ये है कि इस खलास क्लास को ये खलास क्लास अब सिर्फ एक वर्ड नहीं रह गया है ये वाकई में आपके सारे प्रोविजन को पूर्ण तरह से खलास करेगा दो पार्ट में हम इसको डील करने वाले हैं पहला पार्ट आपके जो है यहां पर रहने वाला है यानी कि YouTube पर और सेकेंड पार्ट जो है इसका वो जो का कांटिन्यूस पास होगा वो आपके 10 बजे 10 पीएम पर एक स्पेशल क्लास होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और लिंकिंग लॉस लॉसुख सर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना आप उसमें जुड़ जाइएगा लिंकिंग लॉस तनसुख सर वहां से भी आप इसको क्या कर सकते हैं बेनिफिट है जो ले सकते हैं नाउ आप समझिए देखो इस कानून को ऑब्जर्व करने के लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा एक ऐसा डायग्राम जो कहीं कहीं जो है आपके लिए शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कहानी बताता हूं पता है जब इस डोमेस्टिक वायलेंस कानून को हम लेके बैठते हैं ना तो हमें लगता है कि अरे यार, यार 37 हैं, कब करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा समय कम बचा है बट हकीकत यह है हकीकत यह है इस केस के अंदर कि आप इस कानून के अंदर जितना गहराई में जाओगे उतना ही कानून आपको आसान और इजी लगने लगेगा कैसे आइए आपको थोड़ा

इस कानून के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि कौन सा कैरेक्टर कहां पे क्या रोल प्ले करता है कौन से कैरेक्टर का कहां पे क्या रोल है जो प्ले होता है वो हमें क्या करना है समझना होता है सो यस नाउ अब यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं मैं पूरा कंसेंट्रेशन बना के रखना क्योंकि इसी डायग्राम के अंदर सारा का सारा क्या है डोमेस्टिक वायलेंस कानून घरेलू हिंसा कानून छुपा हुआ है ठीक है और आपके सवालों के जवाब भी निसंदेह दूंगा निसंदेह दूंगा आप कनेक्टेड रहिएगा आपके हर सवाल के जवाब दूंगा लेकिन एक बात जो मैं याद करके आया हूं वो मेरे को बता देने दो फिर मैं भूल जाऊंगा समझ रहे हो ना आइए तो देखो क्या होता है कि एक घर है ठीक है एक हाउस उस घर के अंदर उस घर के अंदर देखो मेरी ड्राइंग आप लोगों की जितनी अच्छी नहीं है इसलिए आप ज्यादा अपेक्षा मत करना सुंदर ड्राइंग की फिर भी आप ठीक ठाक मान सकते हैं ठीक ये घर है इसको आप कह सकते हो, होल्ड ये क्या है, अपने आप में? Household है। सारे पहलू को करना, मैं फिर से कह रहा कानून का main concept इसके अंदर छुपा हुआ है, इस डायग्रामेटिक पोजिशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी सारी की सारी बातें तो ये एक घर है और इस घर के अंदर जो है इसको अपन क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हाउस होल्ड यहां पर यहां पर एक श्रीमती जी कौन

अपने आप में एक रिलेशन है जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम हम इस अच्छा, जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक वॉलेंस सभी होता हो जब हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन हो सास बहु के रिलेशन के अंदर भी डोमेस्टिक वॉलेंस हो सकता है बहु डोमेस्टिक वॉलेंस हो सकता है इनफैक्ट अगर शादी नहीं हो रखी हो ऐसी परिस्थिति के अंदर भी मान लीजिए आपकी जो भाभी है वो अपनी ननंद के साथ में ऐसी बदतमीजी करें तो वो भी इसके अंदर कंसिडर किया जा सकता है यानी कि ये कानून जो है ना वो बेसिकली महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है वॉयलेंस से इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो महिला शादीशुदा महिला ही होनी चाहिए ओके सिर्फ मैरिड वुमन तक ये कानून आपका कंफाइंड जो है वो नहीं है ठीक है हालांकि पहले एक गलत सीन हुआ करता था पहले क्या था कि इस कानून के अंदर जो है सिर्फ मेल पर्सन ही है जो क्या हो सकता था अपराधी हो सकता था जिसको बोलते हैं यहां पर, है। है। पर अगर कोई पर्सन गलत करता है तो उसके लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है रेस्पोनेंट क्या वर्ड इस्तेमाल किया है प्रत्यर्थी जिसको बोलते हैं रेस्पोनेंट शब्द इस्तेमाल है जो कर रखा है प्रत्यर्थी ठीक है और जिस महिला के साथ में गलत होता है उस महिला को भी एक नाम दे रखा है दैट इज कॉल्ड द पर्सन उसको क्या बोलेंगे अपन पर्सन है जो कहेंगे ठीक है तो एग्रीव पर्सन के साथ में ये चीज हो रही है और अब इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा है इन दोनों के बीच में रिलेशन है डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है इनके बीच में डोमेस्टिक रिलेशनशिप डोमेस्टिक आपके क्या है यहां पर इनके बीच में रिलेशन है दोनों पर्सन के बीच और ये होना जरूरी है अगर जब तक डोमेस्टिक रिलेशन नहीं होता है घरेलू नातेदारी नहीं होती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि डोमेस्टिक वायलेंस वहां पर होगा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊंगा कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है अगर वो वहां पर सेटिस्फाइड नहीं हुई है तो आप मान के चलना कि उस केस के अंदर डोमेस्टिक वॉयलेंस एप्लीकेबल होने का सवाल ही है जो आपके नहीं होता है तो देखिए यहां पर क्या है डोमेस्टिक तो ये आपका शेयर्ड हाउस होल्ड आप एक यहां पर वर्ड याद रखिएगा टू का क्लॉज एस ये टू का क्लॉज एस क्या है देखिए ये डेफिनेशन क्लॉज के अंदर यहां पर आपको मैं कुछ डेफिनेशन हाईलाइट कराता कर हूं जरा समझने की कोशिश है जो कीजिएगा जैसे उदाहरण के के लिए क्लॉज एफ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप टू के क्लॉज डी में डोमेस्टिक वॉयेंस ठीक है और फिर आप यहां पर आ जाइए शेयर्ड हाउस होल्ड टू के क्लॉज एस के अंदर शेयर होल्ड फिर क्यू के अंदर रेस्पोनेट ठीक और यहां पे आपके ए के अंदर एग्रीड पर्सन तो अब ये जो आपके सामने 1 2 3 4 5 ये पांच बातें हैं 2 क्लॉज ए ये इंपॉर्टेंट क्लॉज है ध्यान रखना ये आपके इंपॉर्टेंट क्लॉज है 2 का क्लॉज ए जहां पर वो व्यक्ति जिसके साथ गलत हो रहा है यानी कि महिला उसको कवरड है जो कर रखा है ठीक है फिर डोमेस्टिक रिलेशनशिप 2 के क्लॉज एफ के अंदर फिर डोमेस्टिक वायलेंस 2 का क्लॉज डी हालांकि इसको अगर आप सेक्शन 3 के साथ नहीं पढ़ोगे तो इस समझ में नहीं आने वाला फिर टू के क्लॉज क्यू के अंदर रेस्पॉन्डेंट की बात कर रखा है और टू का क्लॉज एस तो ये तीन चीजें अब देखो यहां पर है ना तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है नंबर वन डोमेस्टिक रिलेशनशिप का होना जरूरी है पहली बात तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का होना जरूरी है और शेयर हाउस होल्डिंग ये तीन चीजें अगर नहीं है तो उस केस के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हो ही नहीं सकता तो अगर इंटरव्यू के अंदर भी आपसे पूछा जाए या सामान्य रूप से आपको चेक करना हो कि किसी केस के अंदर घरेलू हिंसा है कि नहीं है तो सीधा तीन फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको तीन एलिमेंट का फॉर्मूला दे रहा हूं पहला शेयर्ड हाउस होल्ड होना चाहिए साझी गृहस्थी जहां पर वो या तो साथ में रह रहे हो या रह रहे थे ठीक है ध्यान से नोट करना रह रहे थे दोनों वर्ड इस्तेमाल है जो किए जा सकते हैं फिर साथ, साथ में उनके बीच में एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए ऐसे नहीं होगा मकान मालिक और किराएदार अब मकान मालिक जो है वो एक किराएदारनी को परेशान कर रहा है तो वो भी डोमेस्टिक वॉयलेंस आ जाएगा क्या नहीं वो मामला वहां पे कवर्ड है जो नहीं होगा वो एक अलग चीज है डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मामला तब आएगा जब डोमेस्टिक रिलेशन हो उसके बाद में क्या हो डोमेस्टिक वॉयलेंस तो तीन शब्द यहां पर आपके सामने आ रहे हैं डोमेस्टिक आपके रिलेशनशिप होना चाहिए डोमेस्टिक वॉयलेंस होना चाहिए और ये दोनों चीजें कहां पर हो शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर हो तो इस डेफिनेशन के अंदर कई सारे क्लॉज है हो सकता है एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछा ही जाए अच्छा कम से कम जो है ना आप कम से कम ये तो समझ ही लो क्या समझ लो कि भैया टू शेयर्ड होल्ड ये याद रख लो एस का मतलब एस फॉर शेयर होल्ड जैसे हम लोग बचपन में याद नहीं करते थे एम फॉर मंडे टी फॉर ट्यूजडे एस फॉर संडे तो एस फॉर शेयर्ड हाउस होल्ड अपने दिमाग में सेट कर लो क्योंकि ये एक क्लॉज जो है ना वो आपके लगभग लगभग तीन अलग अलग सेक्शंस को क्या करने वाला है डील है जो करने वाला है हाँ जी देखिए तो अब क्या होगा अब यहां पर मैं आपको वापस लेके आ जाता हूं तो अब यहां पर सिचुएशन चल रही है कि एक पर्सन एक महिला जिसको हम एग्रीड पर्सन कहेंगे शुद्ध हिंदी में इसको व्यथित व्यक्ति कहा जाएगा इसको रेस्पोडेंट शुद्ध हिंदी में प्रत्यर्थी कहा जाएगा ठीक है शेयर हाउस होल्ड साझी गृहस्थी में रह रहे हैं घरेलू इनके बीच में क्या है नातेदारी है यानी कि यहां पर टू का क्लॉज एफ है टू का क्लॉज एफ है अब होता है देखो ये दोनों खुशी खुशी रह रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम तब आई प्रॉब्लम तब आई जब ये पर्सन जो है ये दुष्ट प्राणी क्या करने लग गया इस महिला के साथ में डोमेस्टिक वॉयलेंस करने लग गया अब देखो ये कहना आसान होता है क्या आसान होता है कि डोमेस्टिक वॉयेंस कर रहा है। लेकिन कैसे करता है वो कैसे पता चल जाए है ना हमारे बीच में एक होनार कैंडिडेट है देना सर। सर, अच्छा जब एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं सर आप एक बार जो ना उसकी क्लास क्लास लो पूरा टॉपिक समझा दो कॉन्सेप्ट समझा दो तो जब सर जो है जब कॉन्सेप्ट समझाए तो फुदक मार के सर एमसीक्यू नहीं करवा रहे एमसीक्यू करवा रहे तो फुदक मार के सर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे सर बेचारे भोले भाले जीव जाए तो जाए कहा तो पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तानिया जी कैसा आइडिया ठीक है थीके? उसके बाद अपन उस पर आ जाएंगे ठीक है ना चलेगा ना अरे चला लेंगे भाई थोड़ा तो एडजस्ट वकील एडजस्ट करो तो यहां पर क्या होगा कि आपके एग्रीव पर्सन नंबर वन रेस्पोनेट होना चाहिए हाउस होल्ड होना चाहिए डोमेस्टिक रिलेशनशिप होना चाहिए और साथ ही साथ में क्या होना चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए ठीक है अब आप इसको समझें अब ये ये बंदा जो है ना ये बंदा कहता है कि तू तो जानती नहीं है मैं कौन हूं हालांकि कुछ भी नहीं है फिर भी क्या बोलेगा तू तो जानती नहीं है मैं कौन हूं और ऐसे करते करते इस वो इस महिला को टॉर्चर करने लग जाता है अब देखो टॉर्चर करने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है आप समझते ही जाना ये आपको झोंपड़ी दिख रही होगी या जैसा भी दिख रहा है मेरी ड्राइंग का मजाक भी आप लोग उड़ा रहे होंगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है कि ये कनेक्शन आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो तो वो बंदा क्या करता है इसका डोमेस्टिक वॉयलेंस इसके साथ में करता है ठीक है घरेलू हिंसा करता है अब सुनो समझो अप्लाई करो अपने माइंड के ढक्कन को खोलो सॉरी ढक्कन नहीं है जो आपका गोल्डन दरवाजा है माइंड का उसको खोलो घरेलू हिंसा का मतलब होता है इंजरी या हैरेशमेंट सिंपल सा वर्ड बता रहा हूं मैं घरेलू हिंसा का मतलब होता है इंजरी या हैरेशमेंट क्षति या फिर उत्पीड़न इन दो शब्दों से इन दो शब्दों से क्या होता है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट घरेलू हिंसा का समझ में आ जाता है अच्छा आप लोग तैयार रहना मेंस के एग्जाम के अंदर भी ये सवाल आएगा आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द डोमेस्टिक वायलेंस इसको आप क्या करो एक्सप्लेन है जो करो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है तो मैं यहां आप पर आपको क्लियर कर देता हूं कि जब डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो किस तरीके से सिचुएशन को समझा जाता है ऑब्जर्व किया जाता है सो so, यहां पर थोड़ा सा तो बड़ा कर ही दो सर ठीक रहेगा ओके okay, चलो यहां पर मैं इस पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर रहा हूं और ये यह यहां पर लेकर आ गया अब आप मेरे साथ साथ ऑब्जर्व कीजिए डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा कहां पर दे रखा है टू के क्लॉज जी में लेकिन टू का क्लॉज जी इसको समझाने का काम नहीं करता इसको समझाने का काम कौन करता है इसको समझाने का काम करता है आपका सेक्शन नंबर थ्री ठीक है और उसमें बहुत लंबी चोरी डेफिनेशन दे रखी है लेकिन अगले पांच मिनट में आपने पलक झपकाए बिना इस, इस स्क्रीन बोर्ड पर नजर बना के रखी ना तो आप भूल नहीं सकते ठीक है चलिए अब देखो डोमेस्टिक वॉयलेंस के पॉइंट को समझते हैं अटेंशन देखो डोमेस्टिक वायलेंस में आपको सबसे पहले दो चीजों को याद करना है दो चीज कौन कौन सी है आपको एक शब्द याद करना है जिसका नाम है इंजरी अगर आपने आईपीसी को मन लगा के पढ़ा है तो आपको इंजरी का मतलब सेक्शन 44 याद आ रहा होगा लिंक विथ सेक्शन 44 क्या कह रहा हूं मैं लिंक विथ सेक्शन 44 लिंकिंग बिना क्या पढ़ना है यारो ठीक है तो लिंकिंग बिना

अगले पांच मिनट तक ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो पक्का आपके पॉकेट में से दो हजार का नोट गायब हो जाएगा अटेंशन रखो यहां पे बॉडी फिर उसके बाद में एक और इंजरी यहां पे मैं ले रहा हूं माइंड और रेपुटेशन माइंड और रेपुटेशन की इंजरी को मैंने बीच में अलग से लिख दिया एक नायाब तरीका है बिल्कुल अलग तरीका है पहली बॉडी माइंड और रेपुटेशन दोनों को साथ में ले लिया और तीसरी इंजरी यानी कि चौथी इंजरी कह दो इसको वो है प्रॉपर्टी तो मैंने यहां पर सिंपली क्या किया कि जो सेक्शन 44 है उसके अकॉर्डिंग ये इंजरी लिख ली ये इंजरी यहां पर मैंने mention है जो कर दी ठीक है और ये आपको यहाँ पर दे भी रखा है ये आपको यहाँ पर दे भी रखा है पहला दूसरा तीसरा ठीक और ये आपको पता है कि इंजरी चार तरीके की होती है सेक्शन फोर्टी इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग अब आप जरा इसको ऑब्जर्व करना जब हम बॉडी की बात करते हैं बॉडी की यानी कि इंसान का पूरा शरीर तो इंसान के पूरे शरीर के खिलाफ बॉडी के ऑफेंस होते हैं इसमें दो तरह के ऑफेंस होते हैं जैसे कि या तो आपने उसके साथ हर्ट पहुंचाई हो वगैरा वगैरह यानी कि बॉडी वाले फिजिकल ऑफेंस और जो सेक्सुअल ऑफेंस है सेक्शन 375, 376 एक्सेट्रा आपको जानकारी होगी वो भी आपके उसी में दे रखें वो भी एक तरह का बॉडी के खिलाफ ही ऑफेंस होता है तो बॉडी के खिलाफ जो ऑफेंस होता है उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं ठीक है दो कैटेगरी यहां पर आपके बन जाएगी पहला एक तो फिजिकल ऑफेंस एक तरीके से फिजिकल इंजरी कह दीजिए आप इसको और दूसरा पर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, इंजिरी। दूसरा इंजिरी क्या हो जाएगा जाएगा इंजरी इंजरी दूसरा क्या पहला फिजिकल और दूसरा यानि कि ये फिर आपके, मैं पहले आता हूं पे। आपको पता है प्रॉपर्टी आपको फिनेंशियल रूप से कमजोर करना पैसों का आर्थिक मामला जो होता है उसको आर्थिक शब्द है आर्थिक शब्द है इसके लिए आप फिनेंशियल कंडीशन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक और अप्रोप्रिएट शब्द होता है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक इकोनॉमिक के भाई सर मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है मैं आपकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता ठीक है तो यह बात क्या इसका मतलब फिर आपको क्या करना चाहिए डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लिंकिंग लॉस डॉट कॉम वेबसाइट पर जाओ फ्री वीडियो लेक्चर को ओपन करो सब्जेक्ट वाइज जो वीडियो देख रखे हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करो जो नोट्स बनाने का तरीका वहां समझा रखा है उसको फॉलो करो ठीक है क्वेश्चन कुछ तो करना पड़ेगा ठीक है इसीलिए तो यहां पर प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी के केस में आपके सामने वर्ड आ जाएगा इकोनॉमिक ठीक है तो इसके लिए देखो तो खाली शब्दों का फेर चेंज हो रहा है बाकी है सेम चीज इकोनॉमिक ठीक है इकोनॉमिक इंजरी आप इसको कह दीजिए और माइंड और रेपुटेशन का मतलब क्या होता है देखो माइंड और रेपुटेशन मतलब एक महिला के बच्चा नहीं हो रहा है उसको बार बार जो है उसी के ससुराल वाले कह रहे हैं कि तू तो बांझ है है ना तू तो बांझ है तेरा बच्चा हो नहीं सकता तो आप उस महिला की डिग्निटी को एक तरीके से कमजोर कर रहे हो और महिला की डिग्निटी मतलब उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो खत्म हो रहा है ठीक है ये बात आपको क्या करनी है ध्यान है जो रखना है तो माइंड और रेपुटेशन का मामला यहां पर यानी कि इसके तहत जो है एक आपको आ, और आप कह सकते हो वर्बल इंजरी कह दीजिए यहां पर और इमोशनल दो शब्द यहां पर मौखिक रूप से वर्बल और दूसरा वर्ड कौन सा आ जाएगा आपके इमोशनल वर्बल और इमोशनल इंजरी पहुंचाना तो ये आपके माइंड और रेपुटेशन को एक नाम दे रहा हूं मैं जिसको अपन बोलेंगे वर्बल और साथ साथ में इमोशनल इंजरी वर्बल और इमोशनल वर्बल और इमोशनल जैसे आप कभी कहते हो ना कि सर हम आपको छोड़ के चले जाएंगे आप अच्छे नहीं हो तो आप लोग मुझे क्या करो आप लोग मुझे इमोशनल इंजरी दे रहे हो ठीक है तो ये ध्यान रखना कभी किसी को इमोशनल इंजरी नहीं देना वरना डोमेस्टिक वायलेंस कानून लागू हो जाएगा तो हम देखिए यहां पर बॉडी वाली इंजरी अरे अरे ये क्या हो गया यस बॉडी वाली इंजरी सेक्सुअल इंजरी उसके बाद वर्बल और इमोशनल इंजरी और इकोनॉमिक इंजरी यानी कि हमने जो है इसको लिंक विद कर दिया है सेक्शन फोर्टी फोर से सेक्शन फोर्टी फोर से और अभी तक तो यहां पे रुको कहानी खत्म नहीं हुई है आपने अभी तक कहानी का सिर्फ तीस परसेंट हिस्सा देखा है यानी कि इंजरी को इंजरी के अकॉर्डिंग आपको डोमेस्टिक वॉलेंस में इन शब्दों को याद रखना चाहिए एक्चुअली एक शब्द इस्तेमाल किया गया एब्यूज एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग एब्यूज का मतलब होता है दुरुपयोग आप इसको सामान्य परिभाषा के अंदर जो है ऐसा भी कह सकते हो कि गलत इस्तेमाल करना या हानिकारक तरीके से इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह यह बात आपके सामने यहां पर एप्लीकेबल है जो हो जाती है अब समझिए क्या होगा यहां पे यह तो पहला वर्ड है इंजरी मैंने क्या कहा था डोमेस्टिक वॉलेंस में एक वर्ड आपको याद रखना है इंजरी और दूसरा वर्ड आपको याद रखना है हेरेसमेंट दूसरा वर्ड कौन सा याद रखना है अब यहां पर मैं आपको दूसरे टाइप की डोमेस्टिक वॉयलेंस बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड द हैरेसमेंट उसको क्या बोलेंगे अपन उसको ओपन बोलेंगे हैरेसमेंट अब मैं आपको थोड़ा सा और यहां पर भी लिंकिंग करवाऊंगा आपको पता है सेक्शन 498 ए 498 ए वहां पर एक शब्द आता है क्रुएल्टी क्रुएल्टी को करने के दो तरीके होते हैं 498 ए आईपीसी के अंदर पहला तरीका होता है कि आप इस तरीके से इस महिला के पर दबाव डालते हो क्यों बेचारी को आप ड्राइव करते हो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए डेंजर क्रिएट करने के लिए वगैरह और दूसरा तरीका होता है आप उसका हेरसमेंट करते हो डॉवरी डिमांड के लिए डॉवरी डिमांड के लिए उसका क्या करते हैं हेरेसमेंट है जो करते हैं ठीक है ठीके? तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर ये यह आपके सीन एप्लीकेबल है जो हो जाएगा यहां पर यह सीन आपके एप्लीकेबल है जो हो जाएगा समझिएगा तो हेरेसमेंट क्यों करना हेरेसमेंट करना डॉवरी डिमांड के लिए तो ये आपका दूसरा सेगमेंट आपको ध्यान में रखना है कि एक तरीका डोमेस्टिक वॉलेंस करने का यह भी होता है क्या करना डॉवरी डिमांड है जो करना है। तो पहला तरीका इंजरी और दूसरा तरीका हेरेशमेंट ठीक एक्चुअल में डोमेस्टिक वॉयेंस के इन्होंने चार एंगल दिए चार एंगल कौन कौन से ये है आपका एंगल नंबर ए ये है आपका एंगल नंबर बी ठीक है एक सी और डी एंगल और है जो अपने आप में और कुछ नहीं कहते ए और बी को क्या करते है कनेक्ट है जो करते हैं कैसे समझिए यहां पर आपके सेक्शन थ्री के अंदर क्लॉज सी दे रखा है जो ये कहता है कि भाई धमकी देना धमकी देना किस संबंध में धमकी इस बात की देना कि मैं तुझे इंजरी कॉज कर दूंगा मैं हेसमेंट कर दूंगा अगर तूने ऐसा नहीं किया तो वैसा नहीं किया तो ए तो और बी की धमकी देना ये होता है सी पॉइंट ए और बी की क्या करना धमकी है जो देना तो यहां पर क्या करता है वो ए पॉइंट की या फिर बी पॉइंट कमिट करने की धमकी देता है है ना बी करने की क्या करता है वो धमकी देता है तो ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है यानी कि इन दोनों के संबंध में अगर कोई व्यक्ति रेस्पोंडेंट अगर धमकी दे रहा है तो दैटो भी डोमेस्टिक वॉयेंस फिर इन्होंने एक और पतला रास्ता छोड़ रखा पतला तो नहीं है कहने के मतलब एक और गली छोड़ रखी है जिसमें इन्होंने लिख दिया अदर इंजरी मतलब अदर तरीके से आप कोई इंजरी कॉज कर रहे हो हार्म कॉज कर रहे हो तो वो तो अदर हार्म अगर आप यहां पर क्रिएट करते हो अदर हार्म यहाँ पर आप क्रिएट करते हो तो वो भी आपके एक तरीके से इसके तहत कवर हो जाता है और मैं आपको बता रहा हूं कि एक न एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा जब सुप्रीम कोर्ट इस क्लॉज को इस क्लॉज को खत्म कर देगा ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है क्योंकि यही वो क्लॉज है ये जड़ है इस कानून के मिस होने के पीछे ये जड़ है ये सबसे बड़ी जड़ है ठीक है एक लेडी सुबह उठती है इधर देखती है उधर देखती है वापस सो जाती है और कहती है कि आज तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी आज मैं दिन सो ही रहूंगी। बेचारा उठा नौ बजे आपको पता है ये श्रीमान श्रीमती बड़े प्यारे शब्द होते हैं इनका इनका जो अर्थ होता है बहुत ही प्यारा होता है आप सुनना श्रीमान का मतलब क्या होता है श्रीमान मतलब जो व्यक्ति खुद को जैसा मान देता है वो अपनी पत्नी को भी ऐसा मान दे इसलिए उसको कहते हैं श्रीमान ठीक है श्री और श्रीमती का मतलब क्या होता है यानी यानी कि कि होता होता है होता है बुद्धि बुद्धि तो जो श्रीमती का मतलब ऐसी महिला जो जितना खुद की मति पे भरोसा करती है खुद की बुद्धि पे जितना भरोसा करती है उतना का उतना भरोसा अपने पति की बुद्धि पर भी करे उसको बोलते हैं श्रीमती एग्जैक्टली आप संस्कृत में जाके देखेंगे तो इनका अर्थ आपको देखने को मिलेगा तो ये श्रीमान और श्रीमती का कॉन्सेप्ट होता है ठीक है हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बिगड़ा हुआ है हर महिला के अकॉर्डिंग उसका पति जो है वो एकदम डब्बुल है उसको समझ नहीं है उसको काम करना नहीं आता उसको पैसे कमाने नहीं आते और हर पति जो है वो अपनी महिला को उतना सम्मान नहीं देता है इग्नोर करो इसको ये जो मैंने बात की इसका वास्तविक ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है आप इसको इग्नोर करो वापिस आ जाओ तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए वो श्रीमती जी उठी नहीं और उस बेचारे के ऑफिस में भूखा भूका चला गया फिर शाम को आगे जब उसने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया तो बोला कि बस मेरी मर्जी थी मैं तुमको सबक सिखाना चाहती थी तो किस बात का सबक कि रोज खाना मैं ही बनाती हूं इसलिए सबक सिखाना अब पति ने बोला भाई ये बात तो गलत है थोड़ी बहुत बहस महसूर और फिर उसने डोमेस्टिक वॉयेंस का केस ठोक दिया अब पता चला फिजिकल एब्यूज हुआ क्या कुछ नहीं फिजिकल एब्यूज सेक्सुअल अब्यूज हुआ क्या नहीं हुआ कोई रेपुटेशन डिग्निटी का हुआ क्या मामला नहीं हुआ क्या महिला की प्रॉपर्टी छीनी क्या नहीं छीनी कोई प्रॉपर्टी छीनने की धमकी दी क्या नहीं दी फिर भी डोमेस्टिक वॉयलेंस क्यों इसके कारण ये है वो राक्षस इसके कारण जो है मिस हो जाता है यहां पर क्या हो जाता है मिस हो जाता है ठीक है चलिए तो कहने का मतलब यह है कि सदुपयोग है तो दुरुपयोग भी है अच्छा एब्यूज वर्ड का शुद्ध हिंदी होता है दुरुपयोग क्या होता है दुरुपयोग देखो तुम लोग है ना इस कानून को सीरियसली नहीं ले रहे हो जैसे होता है ना वो लड़के कहते हैं यार ये तो पिंक कलर है पिंक कलर तो लड़कियों का होता है वैसे के वैसे कई बार जो है पुरुष प्रजाति कहती है तो डोमेस्टिक वॉय डोमेस्टिक वॉयेंस तो लड़कियों का होता है अरे नहीं भोले राम के जीव सुनो डोमेस्टिक वॉयेंस की आज के समय में ज्यादा जरूरत पुरुषों को होती है मेल पर्सन को होती है क्योंकि उनके खिलाफ कभी भी कुछ भी हो सकता है बी अवेयर फॉर दैट ठीक है तो अवेयरनेस लेने का तरीका नॉलेज तो यहां पर हमने क्या समझा कि ये सारी चीजें होती है तो डोमेस्टिक का कैटेगरी बनेगा इंजरी और ये और यहां पर आपका सीन खत्म नहीं होगा अब मैं आपके बीच में लेकर आता हूं इसी का एक और पार्ट क्या हम इसको उप... अरे वाह बहुत बड़े मजा आ गया मेरे को इसी बात का डर था कि मैं इसको ऐसे कैसे एज इट इज ऊपर ले जा पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा कभी कभी लगता है तो हम ही शक्ति मान है चलो अब आप देखो अब आती मेन क्लाइमेक्स की का आपको पता है जब आप लोग पढ़ते हो डोमेस्टिक वॉलेंस तो मेनली जहां पर गलत काम होता है तो वहां पर रिलीफ भी होना चाहिए वहां पर क्या होना चाहिए रिलीफ भी है जो होना चाहिए तो इस केस के अंदर भी आपको रिलीफ दे रखे हैं जैसे आप पढ़ेंगे सेक्शन एटीन 19, 21, 22 वगैरह तो उसमें आपको अलग अलग तरीके के ऑर्डर है जो दे रखे हैं जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए यहां पर कि प्रोटेक्शन ऑर्डर सुरक्षित रखना उसको संरक्षण करना उस व्यथित व्यक्ति का एग्रीड पर्सन का और दूसरा क्या था अब यहां पर सेकेंड पॉइंट आपके क्या आता है जैसे रेजिडेंस का ऑर्डर पास करना रेजिडेंस का ऑर्डर पास करना मॉनिट्री ऑर्डर पास है जो करना मॉनिट्री ऑर्डर पास करना फिर कंपेंशेशन का ऑर्डर पास करना कस्टडी का ऑर्डर पास करना तो इस तरीके से यहां पर क्या होते हैं आपके अलग अलग सेगमेंट है जो आपको देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली किससे कवर्ड हो जाते हैं आपके इन्हीं में से इन्हीं एक्टिविटीज में से कवर्ड होंगे कैसे आइए समझाने की कोशिश करता हूं देखो जनरली हम लोग जब शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन हालांकि जब आप सेक्शन 18 पढ़ोगे तो प्रोटेक्शन के अंदर आपको सात कैटेगरीज दे रखी है सात अलग अलग बातें लिखी हुई है है ना उसमें यूं तो बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको यह समझना है कि भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको इस एंगल से समझना है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब यहां पर क्या होगा एक तरीके से आपके फिजिकल और सेक्शल एब्यूज से आपको बचाना ठीक है थीके? तो यहां पर इन दोनों के एंगल से इन दोनों से बचाना अगर यह चीज होती है उसको बचाने का तरीका क्या होगा इसको बचाने का तरीका होता है सेक्शन एटीन यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन एटीन यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर संरक्षण का आदेश आप कोर्ट से प्राप्त है जो करोगे ठीक है यह आपका सेक्शन एटीन यहां पर एप्लीकेबल है जो होता है अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं फिर मैं आता हूं सीधा पहले प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी कहा है ये रही प्रॉपर्टी ठीक है अब समझना एकदम दिमाग की बत्ती जला के प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति संपत्ति इसका नुकसान यानी कि धन का नुकसान पैसे का नुकसान वगैरह तो इस चीज को लेकर संपत्ति के अंदर आपके रहने की जगह भी आ सकती है आपके मेंटेनेंस का अमाउंट भी आ सकता है एनीथिंग तो यहां पर आपके बीच में दो बातें आती है एक तो अगर आपके संपत्ति से आपको निकाला गया है इसका मतलब शेयर हाउस होल्ड से आपको निकाला गया है, तो ऐसे केस के अंदर ऐसे केस के अंदर आपको क्या चाहिए आपको रेजिडेंस चाहिएगा तो यहां पर जब इस इस पॉइंट को मैं कनेक्ट वाले सेगमेंट से तो इसके अंदर दो तरह के ऑर्डर है जो आएंगे दो तरह के ऑर्डर यहां पर देखने को मिलेंगे एक तो है आपके सेक्शन 19 के तहत जिसको बोलते हैं रेजिडेंस ऑर्डर इसको अपन क्या बोलेंगे रेजिडेंस ऑर्डर यानी कि उसको निवास दो भाई उसको रुकने की जगह रहने की जगह आप उसको दीजिए उसको बोलते हैं निवास का आदेश यानी कि आपके एक तरीके से रेजिडेंस ऑर्डर ठीक है तो यहां पर इसका कनेक्शन किससे जुड़ गया प्रॉपर्टी से जुड़ गया आप समझना जिस तरीके का डोमेस्टिक वॉलेंस उस तरीके का आप क्या कर रहे हो उससे कोर्ट से रिलीफ है जो ले रहे हो फिर उसके बाद में सिर्फ घर मिलने से तो काम चलेगा नहीं घर चलेगा कैसे ठीक है तो यहां पर आपके बीच में आता है एक एक और मामला जिसको बोलते हैं मॉनेटरी रिलीफ क्या बोलते हैं मॉनेटरी यानी कि धन संबंधी मॉनेटरी रिलीफ तो यहां पर जब आपके खिलाफ एग्रिड पर्सन के खिलाफ इकोनॉमिक एब्यूज होता है जब आर्थिक दुर्विनियोग होता है तो उस केस में उसको दो तरह के रिलीफ चाहिए उन्नीस और बीस ठीक है तो देखो अठारह सेक्शन 18 प्रोटेक्शन सेक्शन 19 रेजिडेंस क्यों ये यह यहां से कनेक्ट हो रहा है ठीक है और फिर आपके सेक्शन ट्वेंटी में मॉनेटरी रिलीफ आपको ये पॉइंट की जो लाइनें खिंच रही है जो लिंकिंग हो रही है वो लिंक करना पड़ेगा अच्छा अब मैं आपको एक बात और समझाता हूं क्या होता है कि माँ जो होती है ना माँ का बच्चों से बहुत गहरा लगाव होता है अगर आपने किसी माँ को उसके बच्चों से दूर रखा है तो आपने भले ही उसके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचाया हो आपने उसकी प्रॉपर्टी को भले ही नुकसान नहीं पहुंचाया हो लेकिन आपने उसके माइंड को जरूर नुकसान पहुंचाया हो आपने उसको मेंटल एगोनी दी है मानसिक रूप से आपने उसको क्या तरीका दिया है है तरीका तो ऐसे केस के अंदर दो बातें हमारे बीच में आती दो बातें हमारे बीच में आती है आइए समझते हैं यहां पर वो दो बातें किस तरीके से वर्कआउट है जो करेगी तो यहां पर दो बातें यानी कि नंबर वन बच्चे की कस्टडी देना बच्चे की कस्टडी है जो देना यानी कि कस्टडी ऑर्डर अच्छा मजेदार बात सुन लो इस केस में जो कस्टडी ऑर्डर है ना वो टेम्परेरी होता है वो परमानेंट नहीं होता है वो कैसा होता है टेम्परेरी नेचर का होता है ठीक है कस्टडी ऑर्डर और दूसरा ये कि आपने उसको मानसिक रूप से परेशान किया आपने उसकी रेपुटेशन को डाउन किया आपने उसको वर्बली या इमोशनली अब्यूज किया तो इसका वापस क्या करोगे आप देखो भाई ये कोई इमोशन जो होता है वो कोई पैसा तो होता नहीं है मेरी बात समझने की को कोशिश करना इमोशन इज नॉट इक्वल टू मनी इमोशन को पैसे में नहीं तोला जा सकता तो इसका कोई वैल्यूशन तो हम निकाल सकते नहीं कि भाई इतना आपने इमोशनल एब्यूज किया है तो आपको ये करना पड़ेगा तो इसके बदले में दिया जाता है कंपेंसेशन वेरी गुड आरती सोलंकी जी बहुत बढ़िया क्या दिया जाता है कंपेंसेशन है जो दिया जाता है तो यहां पर एक और पॉइंट कौन सा कनेक्ट हो जाएगा एक और पॉइंट आपका कनेक्ट हो जाएगा कंपेंसेशन का आदेश जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिकर क्या बोलते हैं प्रतिकर का आदेश तो कंपेंशेशन ऑर्डर यहां पर आपको दिया जाएगा और ये दोनों कहां से कनेक्ट होते हैं ये दोनों आपके सेक्शन ट्वेंटी और सेक्शन ट्वेंटी टू से कनेक्ट होता है देखो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना वो ये है कि कौन सा ऑर्डर किस जगह पर एप्लीकेबल होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए कौन सा ऑर्डर किस जगह पर एप्लीकेबल होता है ये हमें पता होना चाहिए ठीक है है तो हमने बेसिकली किया हमने किया क्या देखो जो है, हम हम करने इस डाइग्राम से डाइग्राम से हम पर पहुंचे डोमेस्टिक दो भागों में डिवाइड किया इंजरी उसके बाद हेरेसमेंट फिर इंजरी को हमने आईपीसी के सेक्शन 44 के एंगल से देखा फिर हमने हेरेशमेंट को सेक्शन 498 ए के एंगल से देखा तो इसने हमने डेफिनेशन हमारे सामने आ गई ये बॉडी की इंजरी तो बॉडी की इंजरी से बचने के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन ऑर्डर उसके बाद में आपके वर्बल और इमोशनल एब्यूज से बचने के लिए दो तरह के ऑर्डर बच्चे की कस्टडी और कंपेंशेशन यहां पे फिर प्रॉपर्टी के समय में दो तरह के ऑर्डर रेजिडेंस और मॉनिटरी और अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैसे ध्यान रखना मैं फिर से कह रहा हूं ये जो आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर है ये सिर्फ ये सिर्फ आपके फिजिकल एब्यूज को रोकने के लिए या सेक्सुअल अब्यूज को रोकने के लिए ही अप्लाई होता है ऐसा कहना गलत है ठीक है ऐसा कहना गलत है यह आपके अदर केसेस में भी लागू हो सकता है तो यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं ठीक है यहां पर टोटल सात केसेस दे रखे हैं कितने सात ऐसे केसेस दे रखे हैं जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर को जारी है जो किया जाता है जैसे उदाहरण के लिए हस्बैंड बार बार जो है क्या कर रहा है जो वाइफ जहां पर जॉब करती है वहां पर जाके उसको परेशान कर रहा है तो उसको उससे रोका जा सकता है किसी रिलेटिव के खिलाफ वॉयलेंस कर रहा है हस्बैंड उसको उससे रोका जा सकता है कम्युनिकेशन नहीं करने के लिए रोका जा सकता है क्या बार बार जो उनको कम्युनिकेट नहीं करोगे डोमेस्टिक वायलेंस का कोई भी एक्ट करने से प्रोटेक्ट किया जा सकता है रोका जा सकता है डोमेस्टिक वॉयलेंस को अबेड करने से रोका जा सकता है तो ऐसे सात कैटेगरीज हैं जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जा सकता है लेकिन हमने यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरीके से इसको डिवाइड है जो कर रखा है <coughs> अच्छा अब आगे बढ़ते हैं यहां पर अब मैं जो आपको आगे बात बताने वाला हूं ना ध्यान से सुनना ये जो आपके ऑर्डर है एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पांच ऑर्डर रिलीफ है वो पांच ही है मेन जो आपकी रिलीफ है वो पांच ही है ओके ये बात आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी अब इन पांच के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर ऑब्जर्व करनी है जाननी है मैं कुछ लेकर आता हूं ज्यादा उम्मीद मत पा लो मैं कोई लड्डू बड्डू नहीं ला रहा हूं हाँ कल पंद्रह अगस्त जरूर है तो हम लोग वो लड्डू जरूर खा लेंगे बट अरे अरे रे बहुत कहाँ जा रहा है ये अच्छा ऐसे करते हैं क्या ठीक है ये लो जी ये हमने कर दिया उसके बाद में एक और अरे भाई ओके अब लग रही ना सुंदर सुशील टेबल हाँ बोलो ठीक है अब देखो अब यहां पर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं क्या कि ऐसे प्रोविजन जो कि कॉमन है जो कि क्या है कॉमन है फॉर ऑल कॉमन फॉर ऑल फॉर ऑल का मतलब 18 से लेकर 22 तक सभी के लिए ये जो प्रोविजन मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं ना वो एप्लीकेबल होता है वो क्या होते हैं एप्लीकेबल होते हैं ठीक है अच्छा मैंने क्या 15 अगस्त बोल दिया था क्या जो आप 26 जनवरी बता के मुझे करेक्ट कर रहे हो आप भावनाओं को नहीं समझ रहे देखो मन के अंदर अभी भी स्कूल का बच्चा है उस स्कूल के बच्चे को 15 अगस्त या 26 जनवरी से फर्क नहीं पड़ता उसको तो बूंदी के लड्डू से फर्क पड़ता है तो पहले स्वेटर पहन के लाइन में लग जाएगा फिर स्वेटर उतार के फिर से लाइन में लग जाएगा फिर दूसरे वाले के पड़ोसी का शर्ट पहन के फिर से लाइन में लग जाएगा तीन दिन लड्डू खाएगा तो उन भावनाओं को समझो ठीक है चलो तो पंद्रह अगस्त नहीं है छब्बीस जनवरी बिल्कुल सही कह रहे हो अब देखो आप जानना अटेंशन नजर हटी समझने की दुर्घटना घटी फिर वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि कॉमन प्रोविजन अब मैं जो आपके सामने सेक्शन बताने वाला हूं ना वो ऐसे सेक्शन है जो सभी पर पांचों तरह के पर लागू होते हैं तो वो चीज क्या है वो चीज क्या है आइए जरा उसको समझने की कोशिश अपन यहां पर करते हैं ठीक है नंबर वन आप चाहो तो इसको इस एंगल से भी रख सकते हो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वगैरह वगैरह फिर भी जानते हैं जैसे कि आपके सामने यहां पर आता है सेक्शन ट्वेंटी थ्री तो आप जब सेक्शन ट्वेंटी थ्री देखते हो तो ट्वेंटी थ्री में क्या है ट्वेंटी थ्री के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट को आवश्यकता महसूस हो तो वो क्या कर सकता है इंट्रीम ऑर्डर दे सकता है और एंट्रीम ऑर्डर इनमें से किसी के संबंध है मतलब फाइनल डिस्पोजल अभी तक नहीं किया है उससे पहले इंट्रीम ऑर्डर और जरूरत पड़े तो कुछ मामलों के अंदर एक्स पार्टे ऑर्डर भी दे सकता है एक्स पार्टे ऑर्डर जो है वो भी दे सकता है ये बात आपको कहां पर देखने को मिलेगी सेक्शन ट्वेंटी थ्री में ये बात सेक्शन 23 में क्योंकि जो सेक्शन 23 है ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है ये बेसिकली क्या करता है ये बेसिकली आपके 19, 19, 20, 21, 80, 19, 20 21, 21, 22 22 से से ही कनेक्ट होता है है ठीक क्या होता है कनेक्ट है जो होता है अगला पॉइंट समझिए यानी कि यह एक तरीके का कॉमन प्रोविजन है कॉमन प्रोविजन जो आपके पांचों पर लागू है जो हो जाता है इसके बाद में एक प्रोविजन आता है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में क्या है ट्वेंटी फोर कहता है कि भैया जो भी ऑर्डर हुआ है ना जो भी ऑर्डर है इसका में से कोई भी ऑर्डर हो तो उस ऑर्डर की फ्री कॉपी फ्री कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है आप एग्रीड पर्सन को उस पुलिस मैन को उस जो सर्विस अथॉरिटी है उसको जो आप क्या करोगे प्रोवाइड है जो करोगे तो ये ट्वेंटी फोर यहाँ पर भी क्या गया ये भी कॉमन प्रोविजन है जो सभी के ऊपर क्या होता है एप्लीकेबल होता है लागू है जो होता है देखो फ्री ऑर्डर की कॉपी का प्रोविजन सीआरपीसी के अंदर भी मेंशन है जो कर रखा है सीआरपीसी के अंदर भी ऐसा नहीं कि सीआरपीसी के अंदर मेंशन है जो नहीं रखा वहां पर ही आपको दे रखा है अब इसके अलावा आ जाते हैं सेक्शन ट्वेंटी फाइव पे सेक्शन ट्वेंटी फाइव भी ऐसा प्रोविजन है जो कि सभी पर लागू होता है सेक्शन ट्वेंटी फाइव कहता है कि भाई जो भी आप ऑर्डर पास कर रहे हो इनका वैलिडिटी कितना होगा वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि भाई ये कब तक प्रभावी रहेंगे क्या इनको चेंज किया जा सकता है क्या इनमें ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है तो वैलिडिटी का पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा वैलिडिटी का मतलब क्या होगा दो बातें कि भाई इनकी अवधि कितनी है ड्यूरेशन कितना होगा नंबर वन और दूसरा क्या इसके अंदर आप चेंजेज कर सकते हो क्या ऑल्ट्रेशन कर सकते हो क्या ये तो ये प्रोविजन भी सभी पर लागू है जो होता है इसमें आपको दो बातें देखने को मिलेगी इसमें लिखा हुआ है कि भाई प्रोटेक्शन ऑर्डर तो तब तक वैलिड रहेगा जब तक इसको डिस्चार्ज करने के लिए अप्लाई ना किया जाए जब तक इसको हटाने के लिए वापस अप्लाई नहीं किया जाए ठीक है और बाकी के ऑर्डर में अगर सर्कम चेंज होती है तो ऑल्ट्रेशन किया जा सकता है बात कहां लिखी हुई है है सेक्शन 25 के अंदर है जो मेंशन कर रखा है देखो एक एक पॉइंट को हमें ध्यान रखना है 23, 24, 25 ये तीनों प्रोविजन जो कि क्या हो रहा है सभी के ऊपर इस तरीके से एप्लीकेबल है जो हो रहे हैं ठीक है ठीके? अब 26, 27 और 28 को समझने की कोशिश करना 26 ये कह रहा है कि भाई आपने डोमेस्टिक वॉलेंस के तहत रिलीफ मांगा कोई बात नहीं लेकिन अगर मान लो किसी अदर कानून के अंदर भी रिलीफ है तो क्या करोगे ठीक है तो 26 जो हमें बात बताता है वो ये है कि अगर किसी अन्य कानून के अंदर ट्वेंटी सिक्स मान लीजिए कोई अल्टरनेट रिलीफ है या फिर अदर रिलीफ है? कि अगर कोई रिलीफ है जो किसी अदर कानून के अंदर है लॉ के अंदर है तो उसका क्या होगा क्या वो भी आप मांग सकते हो क्या तो इसका आंसर है साथ साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन मेंटेनेंस भी लगा रखी है या फिर मैंने आपके हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मेंटेनेंस का मामला डील कर रखा है या हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस की मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये क्या होगी यहां पर एक तरीके से कंडीशन है जो होगी उसके बाद में अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि इन सारे मामलों की सुनवाई होगी कहां पर तो 27 जो है ना वो ये बताता है कि कौन से कोर्ट के पास में है क्या वर्ड इस्तेमाल होगा यहां पर कौन से कोर्ट के पास में क्या है जुरिस्ट्रिक्शन है तो यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कौन सा वाला कौन सा जुडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कौन सा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तो यहां पर आपको तीन भागों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा पहला दूसरा तीसरा नंबर ए में जहां पर एग्रीड पर्सन या तो रहता है और या फिर अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है नंबर टू या फिर क्या हो जाएगा या फिर जो रेस्पोनेंट है या फिर जो रेस्पोनेट है वो जहां पर रहता है जहां पर अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है और यहां पर जहां पर वो एम्प्लॉयड है जहां पर वो जॉब वगैरह करता है और तीसरा जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रखा है तो ये तीन में से किसी भी जगह के जोरिस्ट्रिक्शन के अंदर उसका जो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट होगा वो डील कर सकता है अच्छा अब इसका एक और पॉइंट जब ये डील करेगा तो प्रोसीजर कौन सी फॉलो करेगा अगर ये डील करता है तो वहां पर प्रोसीजर कौन सी फॉलो की जाएगी तो आपका सेक्शन 28 जो है ना वो यहां पर आपको दो तरह की प्रोसीजर के बारे में बात करता है और ये वाला प्रोविजन जो है वो भी क्या होगा सभी पर लागू होगा सारे ऑर्डर्स पर होगा तो इसमें प्रोसीजर आपके सीआरपीसी का जिक्र भी कर रखा है यहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसके सेक्शन ट्वेल्व में सेक्शन ट्वेल्व यानी कि अप्लाई करना और अट्ठारह से लेकर आपके जो ट्वेंटी का मामला है सीआरपीसी की प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि कुछ विशेष मामलों में आप खुद की प्रोसीजर यानी कि डोमेस्टिक वॉलेंस एक्ट की खुद की प्रोसीजर जो है वो बनाई जा सकती है जैसे कि आपके ट्वेंटी थ्री टू ऑर्डर वाला मामला एक्चुअल में क्या ये जो दो ऑर्डर आपको दिख रहे हैं ना तो दिस वन इज ट्वेंटी थ्री वन एंड दिस वन इज ट्वेंटी थ्री टू ठीक है ये दो बातें यहां पर आपके एप्लीकेबल है जो होती है अब एक लास्ट पॉइंट और है जो बच गया है जिसके लिए मेरे को स्पेस नहीं मिला लेकिन मैं स्पेस लेके रहूंगा ये ले मैंने स्पेस ले लिया अब जरा समझना इसमें एक पॉइंट आपके और बचा है और वो है अपील का और आपको पता है अपील के जो प्रोविजन है ना वो भी इन सारे ऑर्डर पर लागू होते हैं प्रोटेक्शन से लेकर सभी पर लागू होते हैं यानी कि ट्वेंटी 29, 29 में दे रखा है अपील और अपील कहां पर होगी एक ही वर्ड है अपील जो होगी वो होगी सेशन कोर्ट के अंदर जो सत्र न्यायालय होता है वहां पर होगी और वो भी तीस दिन के भीतर है जो होनी चाहिए देखो मेरी बात को थोड़ा सा एक नए अंदाज से समझने की कोशिश करो अभी तक आपने हो सकता है इस कानून को अलग अलग एंगल से पढ़ा हो और अलग अलग जगह से भी पढ़ा हो, हो सकता है लेकिन यहां पर जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि हम लोग मुझे बताना कि आप मेरी बात से एग्री हो के नहीं हो हम लोग क्या करते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर के संबंध में सेक्शन थर्टी वन याद कर लेते हैं कि भाई इसमें यहाँ पर ऑफेंस हो गया ये क्रिमिनल क्रिमिनलिटनेचर का प्रोविजन है इसका कॉग्रिजेंस ऐसे लेंगे फिर अगर वहाँ जो प्रोबेशन ऑफिसर है जो आपका प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसने गलती कर दी तो इसका हम कॉग्रिजेंस लेंगे तो आप प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में तो पढ़ लेते हो लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो बीच वाले प्रोविजन है यार ये तो बोनस मार्क्स है ये क्या है ये तो बोनस मार्क्स है मतलब कि यहां पर आपके सामने सीधा सा एक फंडा आता है कि ये जो सेक्शन है ट्वेंटी थ्री से लेकर ट्वेंटी नाइन ये ऐसे प्रोविजन है जो इन सभी पर लागू होते हैं जो इन सभी पर लागू होते हैं अब एक मजेदार बात आपको मैं और बता रहा हूं और वो क्या कि यहां पर जो आपके सामने आ रहा है ना ये वाला ऑर्डर प्रोटेक्शन ऑर्डर इसके बारे में कुछ एडिशनल प्रोविजन भी होते हैं जो कि इन सभी पर लागू नहीं होते सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर पर ही लागू होते हैं वो कौन कौन से हैं यानी कि इसके बारे में एडिशनल प्रोविजन कौन से होंगे एडिशनल प्रोविजन जो होंगे वो आपके तो आप नोटिस करना कि इसमें अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर की कॉम्प्लाइंस नहीं होती है तो दो सेक्शन में एक काम करता हूं मैं साइड में जा रहा हूं फिर मैं दिख ही नहीं पा रहा हूं मैं नहीं दिखूंगा तो आप लोग मेरे को आज नहीं तो कल भूल जाओगे है ना चलो भाई नाउ अब समझिए तो एडिशनल प्रोविजन जो है वो दो सेक्शन में अगर मान लीजिए कि इस प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रिज हो गया ब्रिज दो तरीके से या तो रेस्पोंडेंट ने रेस्पोंडेंट मतलब जिसके खिलाफ आदेश हुआ है उसने इसकी पालना नहीं की हो और या फिर जो हमारे पास में प्रोटेक्शन ऑफिसर था ठीक है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर था उसने बदमाशी कर दी उसने इसकी कॉम्प्लेन अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं की तो इन दोनों की एक्टिविटीज को ऑफेंस में रखा गया है इसकी एक्टिविटी को ऑफेंस में रखा गया थर्टी वन में और इसकी एक्टिविटी को ऑफेंस में रखा गया थर्टी थ्री में और फिर दोनों के कॉग्रिजेंस के संबंध में कि इन्होंने जो ये अपराध किया है इसको के बारे में दो अलग अलग सेक्शन डील करते हैं 31 के लिए टू डील करता है 33 के लिए 34 डील करता है अब ये जो सेगमेंट है ना मैं इसको अलग कलर दे देता हूँ कैसा कलर दे देता हूं आ, लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला आ, ये ले लेते हैं अब देखो ये मैं इसको एकदम अलग कलर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर पर ही लागू होता है और किसी भी ऑर्डर पर लागू नहीं होता आप नोटिस करना अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो हमने बेसिकली क्या किया हमने एक डायग्राम के अंदर लगभग लग लगभग लग लग हर एक सेक्शन का क्राइटेरिया रख दिया एक डायग्राम के अंदर हर एक सेक्शन को समझने का एक क्राइटेरिया है जो आपके सामने यहां पर रख दिया और ये आपको क्या करना है ध्यान रखना है दिमाग में सेट करना है क्योंकि जब आप इस तरीके से चीजों को देखोगे ना तो कहीं कहीं वो माइंड में आसानी से एंटर होगी अब एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास में आज के बाद रहेगा वो क्या है कि ऐसे प्रोविजन जो सभी ऑर्डर पर लागू होते हैं उनको अलग रखो ऐसे प्रोविजन जो सिर्फ यहां पे लागू होते हैं उनको अलग रखो आपका माइंड पता है ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस को कैप्चर कर रहा है भी। आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन आपके माइंड ने एक इंस्ट्रक्शन कैच कर लिया वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है कि कॉमन प्रोविजन टू ऑल ऑर्डर में प्रोटेक्शन 19 में रेजिडेंस 20 के अंदर मोनिट्री रिलीफ 21 में कस्टडी 22 में कंपेंसेशन इनको रख लो अलग क्योंकि ये कॉमन है कॉमन के लिए कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं 23 के अंदर आपके मान लीजिए कोई भी एंट्री ऑर्डर है एक्सपार्ट ऑर्डर अलग रखना है 24 के अंदर फ्री कॉपी देना ऑर्डर की अलग रखना है आपके 25 के अंदर यहां पर आपके उसकी वैलिडिटी कितनी है क्या उसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं क्या वो आपको अलग रखना है ट्वेंटी के अंदर अदर लॉ के अंदर रिलीफ है तो वो एडिशनल होगा ट्वेंटी के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन का पॉइंट एट के अंदर प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करोगे ट्वेंटी के अंदर तीस दिन में सेशन कोर्ट के अंदर अपील करना है सो इन दिस वे हम क्या कर पा रहे हैं हम चीजों को थोड़ा सा और आसान कर पा रहे हैं सेक्शन थर्टी एक बीच में रह गया सेक्शन थर्टी बेसिक बात बताता है कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर वगैरह होंगे इनको हम पब्लिक सर्वेंट कह देंगे ठीक है ये बात हमें क्या करनी माइंड के अंदर सेट है जो करनी है अब मैं आपके सामने इस पूरे डायग्राम को संक्षिप्त में करता हूं और फिर आपको एक बात बताऊंगा जिसके लिए आप हो सकता है मुझ पर गुस्सा हो जाओगे देखिए ये काम हमने जो ये मेहनत की है ना ये मेहनत जो है मैं रेडीमेड भी लाया था ये जितनी भी मेहनत है ये मैं आपके लिए रेडीमेड भी लाया था कहाँ लाया था बताऊ आपको ये आप देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है करता हूं। ये सारा का सारा सेगमेंट आपके लिए रेडीमेड भी बना हुआ था लेकिन मैं ये चाहता था कि भैया मेहनत करे मानवी तो मेहनत पावे मान और बिन मेहनत ना रीजिए तो गुरु धनी भगवान ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आ रखा था ये झोपड़ी बना रखी थी मैंने सुंदर डायग्राम बना रखा था टू ए टू बी हाउस होल्ड डोमेस्टिक वॉलेंस का मतलब आपको बता रखा था इस तरीके से ये चार तरीके के आपके डोमेस्टिक वॉलेंस होते हैं ये भी मेंशन कर रखा था इंजरी को मैंने आपके सामने यहां पर जो है किससे कनेक्ट कर गया था आईपीसी के सेक्शन 44 से बॉडी माइंड प्रॉपर्टी फिर फिजिकल सेक्सुअल वर्बल ये भी मेंशन कर रखा था इसके अंदर मैंने पर्टिकुलर पॉइंट भी लिखे हैं यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है उसके अलावा फिर आपके जो कॉमन प्रोविजन थे ये देखो पांच ऑर्डर आ गए फिर कॉमन प्रोविजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी लिखा हुआ था और साथ साथ ये भी लिखा हुआ था एक साल बीस हजार की सजा मिलेगी ये भी लिखा हुआ था लेकिन मेरा उद्देश्य है कि रेडीमेड नोट्स में आपको सीधा दिखा दूंगा ना तो यार आप वो फीलिंग नहीं ले पाओगे जो मैंने ली है इनको बनाते समय और इसीलिए ये चीज एज इट इज मैं आपके सामने ऑब्जर्व कर रहा हूं अब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा अब मैं आपको ये वाला पीडीएफ दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा लेकिन सोचो अगर शुरुआत के अंदर ही मैंने आपके सामने ये पीडीएफ रख दी होती तो आप सिर्फ रट्टू तोते की तरह हाँ सर ये, ये 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 करते रहते इधर खोपड़िया के अंदर कुछ नहीं सेट होता इसीलिए आपका समय तो लगा है लेकिन ये मेरा वादा है आप लोगों से कि जो समय आपने इन्वेस्ट किया ना ये वाला डायग्राम बनाने के लिए ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा ये डायग्राम व्यर्थ नहीं जाएगा ठीक है व्यर्थ नहीं जाएगा क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में सेट करता है तो अगर आपको लिंकिंग लॉ का यह प्रयास अच्छा लगता है ना बस एक चीज चाहता हूं आपसे इस परिवार के साथ जुड़े रहना इसका विश्वास मत तोड़ना क्योंकि विश्वास टूटने का जो दर्द होता है ना वो इंसान कई बार बयान नहीं कर पाता ठीक है नाउ अब देखो तो ये तो रहा हमारे बीच में एक सेगमेंट कि कहां कहां पर कौन कौन से ऑर्डर होते हैं अब देखो हालांकि यहां पर आपको एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इसके अंदर मैंने आपका काम आसान करने के लिए एक और काम कर दिया है और वो ये है कि यहां पर आपको कि फिजिकल एब्यूज का मतलब क्या है मैंने चार शब्द लिखे हैं हर्ट करना असोल्ट करना क्रिमिनल फोर्स करना इंटिमिडेशन करना क्योंकि एग्जाम के अंदर एक सवाल और पूछा जाता है और वो सवाल पता है क्या होता है वो सवाल ये होता है कि भाई बताओ इनमें से ये जो चीज है वो कौन सा अब्यूज कहलाएगी क्या ये आपके इकोनॉमिक एब्यूज कहलाएगी क्या ये आपके जो है फिजिकल एब्यूज कहलाएगी क्या ये आपके वर्बल इमोशनल एब्यूज कहलाएगी ये आपसे पूछा जा सकता है तो मैं आपको एकदम सीधा साधा तरीका बता रहा हूं हूँ मेरे साथ साथ समझ लो और एकदम सटीक लगता है ये देखो सबसे पहली बात तो ये कि फिजिकल एब्यूज का मतलब आप चार शब्द याद रखो आपको थ्री वन नाइन आई याद है ना हर्ट उसको याद रखो थ्री वन नाइन हर्ट में जो बात दे रखी है वो यहां पर आ जाएगी असोल्ट करना क्रिमिनल फोर्स करना, आपराधिक बल इस्तेमाल करना बस इसने एक नया पॉइंट लिख दिया है क्रिमिनल क्रिमिनल देखो जो है ना वो एक तरीके से यहां पे होने वाली इंजरी है माइंड के अंदर होने वाली इंजरी है ठीक है माइंड के अंदर इंजरी हो रही है लेकिन फिर भी इसको फिजिकल एब्यूज में रखा गया तो एक यहां पर आप जरूर ध्यान रखना कि भैया फिजिकल एब्यूज के अंदर क्रिमिनल भी आता है यानी कि डोमेस्टिक वॉयलेंस लॉ जो है वो क्रिमिनल इंटीमिडेशन को, आप, आप को एक से कहता है इमोशनल एब्यूज पढ़ते हो ना वर्बल और इमोशनल एब्यूज तो इसके अंदर आप माइंड और रेपुटेशन दोनों की इंजरी को ऑब्जर्व करना माइंड और रेपुटेशन देखो मैंने लिखा भी है माइंड और रेपुटेशन क्योंकि यहां पर आ रहा है इंसल्ट करना फिर उसको ह्यूमिलेट करना उपहास करना उसका मजाक उड़ाना या फिर बच्चा नहीं है या मेल बच्चा नहीं है इसलिए उसको उल्हाना देना या फिर इसको पेन कारित करने की धमकी देना क्योंकि ये सारा मेंटल स्ट्रेस है जो होता है इसको बोलते हैं इमोशनल एक्यूज अच्छा एग्जाम के अंदर क्या सर वर्बल एब्यूज और इमोशनल एब्यूज अलग अलग आएगा क्या नहीं आएगा वन ऑफ द सेम थिंग का पार्ट है जो माना जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर अगला कौन सा इकोनॉमिक एब्यूज में क्या करेंगे तो इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर पांच बातें याद रख लो पहली बात कि भाई आपकी प्रॉपर्टी या इकोनॉमिकल रिसोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है किसके द्वारा द्वारा हस्बैंड के, के या और भी किसी पर्सन के द्वारा ठीक है उसके बाद स्त्री धन जो स्त्री का धन जो अपने पिताजी के पास से लेकर आए थे उसको मिस कर रहे हैं रेंट रेंट ऑफ शेयर हाउस होल्ड मान लीजिए कि वो जो शेयर हाउस होल्ड है उसका जो किराया है उसको इसको नहीं दिया जा रहा है या फिर हाउस होल्ड के जो इफेक्ट है घर के जो बर्तन हो गए वगैरह हो गए उसमें उसको इंटरफेयर नहीं करने दे रहे और कोई भी फैसिलिटी है उसको रोकने से उसको यूज करने से रोका जा रहा है तुम फ्रिज का दरवाजा नहीं खोलोगी तुम ये नहीं कर सकती तुम दरवाजा वहां पर तिजोरी नहीं खोल सकती इस तरीके से उसको रोका जाना ठीक है ये बात यहां पर एप्लीकेबल है जो हो जाती है तो ये पॉइंट मैंने आपके मेंशन कर रखे मैं आपको अलग से प्रोवाइड भी कर दूंगा और आप चाहो तो यहां पे चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है देखो भाई क्या होता है जब लगता है कि जरूरत होती है तभी मैं माइनर लॉ हाथ में लेता हूं जनरली मैं अपने कोर एरिया मेजर लॉ को नहीं छोड़ता हूं ठीक है लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि माइनर लॉ के अंदर जो है आप लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे हंड्रेड परसेंट करेंगे और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उसको समझने का मुझे जुडिशरी को पढ़ाने का मजा इसीलिए आता है क्योंकि यहां पर एक अलग लेवल होता है लॉ के बंदों का एक अलग माइंड होता है ठीक है इसीलिए हम लोग माइनॉरिटी के अंदर जरूर है भारत में बट फिर भी ठीक ठाक है ओके जी तो ये सारा सेगमेंट आपको एक बार क्या करना है डील है जो करना है और अब यहां पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूं और बाकी की बातें फिर अपन क्या करेंगे जो हमारा दस बजे का एपिसोड है दस बजे जो हम डील करने वाले उसके अंदर मैं सारी बातें आपको बताऊंगा अब ध्यान से सुनो भाई ये तो हमने समझ लिया कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और रेमेडी है जो क्या मिल सकती है अब दूसरा सवाल आता है कि भाई रेमेडी कैसे मिलेगी रेमेडी कैसे मिलेगी बच्चा रो रहा है हुआ, 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 तो जब तक बच्चा रोता नहीं है मां को पता नहीं चलता है कि बच्चा भूखा है है ना ठीक उसी तरीके से जब तक एग्रीव्ड पर्सन सही जगह पर नहीं पहुंचेगा अपनी फरियाद लेकर अपनी कंप्लेंट लेकर तब तक उसको भी क्या नहीं मिल पाएगा रेमेडी जो है वो नहीं मिल पाएगा ठीक है जी थी? देखो ये हम लोग जो एक क्लास क्लास वगैरह करवाते हैं ना मैं भी जानता हूं कि हम हर एक शब्द को टच नहीं कर पा रहे लेकिन हम जितना भी समझ पा रहे हैं उसके बाद अगर आप इस कानून को पढ़ोगे ना तो ये कानून आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर सेट हो जाएगा फिर आप उसको भूलोगे नहीं तो इसके अंदर एक प्रक्रिया है एक प्रक्रिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद सामने वाली पार्टी को एक नोटिस सर्व किया जाएगा फिर उसके बाद कोशिश की जाएगी काउंसलिंग करवाने की कि भाई जैसे तैसे करके मामला सेट हो जाए मुझे कानून की एक बात अच्छी लगती है पता है क्या कानून जो है कई बार बड़े बुजुर्गों की तरह डील करता है आपको पता है एक होती है अरेंज मैरिज एक होती है लव मैरिज अरेंज मैरिज में हस्बैंड वाइफ दोनों कुटीज गए तो घर के बड़े बीच में आते हैं क्यों क्योंकि वो दोनों जो है वो घर के बड़ों को ब्लेम करते हैं ऐसा लड़का देखा मेरे लिए और लड़का कहता है यही लड़की मिली थी आपको यही मिली थी इतना लड़का और यही कहते हैं दो पहिए होते हैं एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती दोनों पहियों को साथ साथ चलना होता है सुख दुख में एक दूसरे को साझा करना पड़ता वगैरह वगैरह ऐसी बातें बातें कर कर जैसे कर के उनका मामला वापस सेट कर देते हैं अब बात करते हैं लव मैरिज की लव मैरिज के अंदर बंदा गया ये मेरी वो है लाइफ पार्टनर में सपनों की रानी है मेरे हूर की परी है मेरी चांद परी है ऐसा कर करा के शादी कर लेता है घर बोलता है नहीं बेटा हम नहीं करवाएंगे वो बोलता है तुमको मैं देता हूं तलाक मतलब घर वालों को तलाक देके लव मैरिज करके बैठ जाता है फिर एक दिन आता है अमावस का अमाउस का दिन आता है जब होती है कुटाई लड़ाई हर जगह होती है बर्तन हर जगह घर में बसते हैं ऐसा कोई घर नहीं पर बर्तन नहीं बसते ठीक है थीके? तो वहां पर कुटाई होती है और अब वो बेचारा जाए तो जाएगा है ना ना इधर ना उधर घर वालों के पास जाए तो घर वालों का अलग ही फरमान और कर ले सुंदर कन्या चांद परी घूर परी मिल गई मिल गई ना हो गई तसली और कर ले लो मेरी बेचारा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता अच्छा दोनों के साथ में होता है सिर्फ लड़के के साथ में नहीं लड़के के साथ में भी होता है इसीलिए इसीलिए हमेशा ऑप्शन खुला रखा करो किसी को ब्लेम करने का हरी ना देखो अब देखो समझिए अब यहां पर भी मैं आपके लिए डायग्राम तो जरूर लेकर आया हूं लेकिन दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं वो सोच रहा हूं दिखाई देते हैं हा अब रिफ्रेश हो गए ना अब पूरा फोकस कर लो देखिए वैसे आपको जानकारी तो होगी कि 26 जनवरी से देखो हम लोग क्या है थोड़ा इसी तरीके से एकदम स्मूथ वे के अंदर चीजों को डील करते हैं मेरा ये मानना है कि जो मस्तिष्क होता है ना ये जब शांत होता है तब तो अच्छे से पढ़ाई करता है मस्तिष्क जब शांत होता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाई है जो करता है और जब ये अशांत होता है तो फिर पूछो मत जब ये अशांत होता है तो पूछे मत देखो इकोनॉमिक ऑब्यूज को मैंने आपके थोड़ा और डिवाइड भी कर रखा है जैसे उदाहरण के लिए डिप्राइव करना इन इन चीजों से अगर आप महिला को डिप्राइव कर रहे हो वंचित रख रहे हो या फिर ये जो गृहस्थी की वस्तुएं है संपत्ति वगैरह है इनको आप बिना उससे पूछे बिना उसके इंटरेस्ट में बेच दे रहे हो डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या फिर उसको किसी तरह की फैसिलिटी इंजॉय करने से रोक कर रहे हो तो ये क्राइटेरिया भी आपके इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर आता है है ना अब आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले पॉइंट पर आ जाते हैं तो ऐसे केस के अंदर यहां पर ये मेन आपको सेगमेंट है जो मुझे समझाने की कोशिश करना है बट इस सेगमेंट को समझाने से पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है पहली बात तो ये कि मुझे हमेशा इंतजार रहता है कि आप जज बनेंगे और लिंकिंग मुलाकात जैसा इन सभी के साथ लिंकिंग लॉ की टीम के साथ किया है वैसा आपके साथ भी करें तो ये सौभाग्य मुझे जरूर देना YouTube पे क्लास भले ही हो लेकिन जज्बात जो है ना वो बिल्कुल ऑफलाइन वाला है दिल से दिल का कनेक्शन है भले ही मैं कैमरे के अंदर आपको देख पा रहा हूं भले ही आप अपने मोबाइल टीवी लैपटॉप की स्क्रीन पर मुझे देख पा रहे हैं लेकिन दिल से रेस्पेक्ट और प्यार करते हैं स्नेह करते हैं आप सभी लोगों से इसलिए जब जज बनो तो भूल मत जाना गलती से ही सही, सही। टेलीग्राम पे जाके एट द रेट तनसुख सर मेरी प्रोफाइल पे एक मैसेज डाल देना कि सर बन गया बन गई लिखना जरूर ये खुशी हमको भी फील करने का मौका जरूर दीजिएगा ओके अब स्पेशल क्लास होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कैंडिडेट्स फ्री अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं मोटी ताजी जिसको लो कह रहे हैं कि मोटी ताजी जैसा आपको ठीक लगे तो इस फी को अफोर्ड आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं स्पेशल क्लास के जरिए से ही सही, आप क्लासेस को जरूर अटेंड है जो करिए अटेंड जरूर कीजिए ताकि आप जो है अपना रेगुलरिटी फॉलो कर सकें देखो यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास के अंदर सबसे ज्यादा आज तक के भारत के इतिहास में कहीं पर क्लास मिलेगी ना तो वो आपके अपने इस चैनल पर मिलेगी लिंकिंग लॉस में आप उठा के देख लीजिएगा और यही रीजन है कि ऑनलाइन जुडिशियल प्रिपरेशन का अभी तक जो है नंबर वन चैनल बरकरार रहा हुआ है तो इसके अंदर स्पेशल इस क्लासेस इसका बेनिफिट जरूर लीजिए ठीक है अभी भी अपन दस बजे इसी का दूसरा पार्ट है जो डील करने वाले हैं अब यहां पर आपको एक जानकारी मैं और दे देता हूं कि छब्बीस जनवरी को यानी कि कल शाम को साढ़े पांच बजे सिर्फ पहली क्लास शाम को साढ़े पांच बजे है बाकी रेगुलर मेरी क्लास जो है वो सुबह साढ़े नौ बजे रहेगी एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूं लिंकिंग टेक्निक के साथ में लिंकिंग चार्ट्स मेडिटेशन डायग्रामेटिक नोट्स के साथ में और

नहीं छोड़ेगा मतलब नहीं छोड़ेगा हमेशा आपके साथ में हूं जब तक तुम लोग जज नहीं बनते या जब तक एक कामयाब इंसान है जो नहीं बनते तो अभी आपके प्लस सब्सक्रिप्शन का सारा क्राइडिया देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है जो दे रखा है और ये प्लस क्लास की एक झलक है जो यहां पर रहती है अब आ जाते हैं अपन मेन पॉइंट पे यानी कि जो अगला सेगमेंट है उस पर बातचीत है जो कर लेते हैं देखो इसी डायग्राम को मैंने वापस आपके डिटेल में भी रखा है थोड़ा सा बड़ा करके भी आपके सामने रखा हुआ है आप उसको भी बाद में देख लीजिएगा अब बात करूंगा मैं यहां पर इस सेगमेंट की यहां पर क्या है यहां पर होता है अलग अलग कैरेक्टर होते हैं जैसे कि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस पढ़ोगे ना तो कुछ कैरेक्टर के नाम यहां पर आपको बताना चाहता हूं जो आप चाहे तो मेरे साथ डील कर सकते हैं देखिए यहां पर वो कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं जरा समझिए यहां पर जो आपके मोटा मोटी कैरेक्टर होंगे यानी कि इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनका बड़ा रोल रहने वाला है वो कौन कौन लोग है नंबर वन यहां पर आपको ध्यान रखना है एग्रीव्ड पर्सन एग्रीव्ड पर्सन जिसके बारे में आपने सेक्शन टू के क्लॉज ए में देखा है ठीक है फिर एक आपके सामने होता है रेस्पोनेंट जो कि अभ्यर्थी है ठीक है तीसरा एक और कैरेक्टर रहेगा जिसको आप बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या बोलेंगे इसको प्रोटेक्शन ऑफिसर फिर आपके सामने एक और कैरेक्टर आएगा जिसको आप कह सकते हो सर्विस प्रोवाइडर ये कौन लोग होते हैं ये बेसिकली कुछ एनजीओ टाइप के हैं जिनको सरकार रिक्नाइज है जो करती है फिर आपके बीच में एक होता है मजिस्ट्रेट देखो मैं आपको यहां पर मेडिटेशन का एक तरीका बता रहा हूं और एक बार डोमेस्टिक वॉलेंस लॉ को मेडिटेट जरूर कीजिएगा ठीक है इसके अलावा यहां पर आपके बीच में जो है एक सेशन कोर्ट का रोल भी रहेगा अपील कहां पर होती है सेशन कोर्ट में कितने दिनों में होती है तीस दिन के अंदर है जो होती है इसके अलावा यहां पर आपके सामने जो है स्टेट गवर्नमेंट का रोल भी आपको देखने को मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल भी आपको यहां पर देखने को है जो मिलेगा ठीक है तो ये सारी बातें और एक और होता है शेल्टर्ड हाउस शेल्टर्ड होम जिसको आप बोल सकते हैं तो वो भी आपके रहेगा तो ये इन कैरेक्टर से इन कैरेक्टर से फायदा क्या होगा हम लोग जब भी डोमेस्टिक वायलेंस कानून को पढ़ें हमें यह देखना चाहिए कि इन कैरेक्टर्स का रोल कहां, कहां पर है जैसे उदाहरण के लिए मजिस्ट्रेट का रोल अभी हमने जोरिस्ट्रिक्शन वाला सेक्शन पढ़ा था वो कौन सा था जोरिस्ट्रिक्शन वाला एक सेक्शन पढ़ा वो कौन सा था मुझे बताइए थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेक्शन ट्वेंटी सेवन था ट्वेंटी एट था ट्वेंटी था, 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 था क्या था हम्म वेरी गुड कृष्ण चौधरी बहुत बढ़िया वो कौन सा था हमारे 27 के अंदर मैंने आपको उसके बारे में समझा रखा तो इसी तरीके से ये क्राइटेरिया है जिसको आप क्या कर सकते हो आसान वे में ऑब्जर्व है जो कर सकते हो यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर ने रोल प्ले कर का इसके अकॉर्डिंग आप ये तय कर सकते हो कि डोमेस्टिक वॉलेंस कानून में क्या क्या सीन है जो रहने वाला है बाकी अब इसके लिए जो प्रोसीजर वाला पार्ट है वो हम डील करेंगे दस बजे वाली क्लास के अंदर तो आप लोगों का इंतजार करूंगा मैं दस बजे जहां पर मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि यह डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके से कैसे वर्कआउट करती है इन्फॉर्मेंट का सूचना देने वाले का पर्सन के साथ में क्या कनेक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बाद वो क्या करेंगे फिर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो की जाने वाली है और शॉर्ट में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे उसका एविडेंस वैल्यू क्या रहने वाला है और फिर आपके सामने ये स्टेप्स होने वाला है स्टेप तो इस सारी बातें मैं आपके सामने डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं दस बजे तो सोना मत सोना मना है ठीक है ये पूरा मैंने आपके सामने स्टेप्स बना रखे हैं इसके स्टेप वन क्या होगा स्टेप टू क्या होगा स्टेप थ्री क्या होगा स्टेप फोर क्या होगा एंड सो ऑन So, इतना ही कहना चाहता हूं डोंट मिस इट दस बजे मिलते हैं, बाकी का डिस्कशन जो है अपन वहां पर करेंगे मुझे उम्मीद है आज की क्लास को आपने दिल जज्बा इमोशन एक्सप्रेशन के साथ में अटेंड किया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी लेकिन ध्यान रखना अभी तक तो जो आपने क्लास की वो सिर्फ एक पार्ट है दूसरा पार्ट अटेंड करना है तो मेरे साथ स्पेशल क्लास के अंदर आ जाओ दस बजे एक आधे घंटे का ब्रेक दे रहा हूँ खाना वाना खा लो फिर वापस कनेक्ट हो जाओ दस बजे वहां पे अपन नोट लेंगे और नोट्स को आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकोगे लिंकिंग कोड अप्लाई करना उसके साथ आ जाना और अगर क्लास अच्छी लगती है ना तो उसको शेयर भी करना क्योंकि किसी और की क्लास नहीं है अपनी ही क्लास है अपने परिवार की लिंकिंग परिवार जिंदा रहना चाहिए ये आपकी जिम्मेदारी है थैंक यू थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल